नमस्कार टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूर्य स्कोर ट्रिपल एस हिंदी टॉरस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक हफ्ते की रीडिंग होगी। तो ये है आज से लेकर 31 के लिए, 31 मार्च तक की रीडिंग होगी। और इसमें हम आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे। वो क्या संदेश दे रहे हैं आपको, क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो होंगे, और बीच में आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा वो देखेंगे। लास्ट में हम एंजल मैसेजेस लेने वाले हैं कि एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। तो जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्लीज़ गाइस, मेरा गला काफ़ी ख़राब है तो कोऑपरेट मी प्लीज़। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, वर्क थ्रू योर फियर्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत जो है रंग लाने वाली है। जिस चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा वक्त आने वाला है, यानी कि जो मेहनत है उसका फल आपको मिलने वाला है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने जो है, अपने जो आप काम कर रहे हैं निडर होकर कीजिए। अगर आप अपने डर को काम के ऊपर अभी मत होने दीजिए, और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप डरते रहे, घबराते रहे, तो आपका बनता काम रुक सकता है। लेकिन अभी आपका की मेहनत जो आप कर रहे हैं, या अगर आप मैक्स, या आप फिर कह सकते हैं कि एक्शन लेंगे, काम करेंगे, जो आप सोच रहे हैं बिना घबराहट के, बिना किसी डर के, तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बीच में देख लेते हैं कि आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। टॉरस के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। जी, ये अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं, तो पास्ट में जो रिश्ता आपका रुक चुका है, हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, आप दुखी रहे हैं, हो सकता कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा जो आपके रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दे रहा था, तो इसलिए आप हार थक कर थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं। यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपको लगा कि अगर आप बजाय के इस चक्कर प्यार व्यार के चक्कर में घुसेंगे, इसके बजाय अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए रेस्ट लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी शरण में जाएंगे, तो ये है कि आपके जो काम रुक चुके थे वो काम आपके पूरे होंगे। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देने आ रहा है। अपने एडिक्शन, लस्ट, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, चाहे ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यानी कि लस्ट हो या एडिक्शन हो, उनको छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो चाहे वो जॉब के लिए है, लव लाइफ के लिए है, या बिजनेस के जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हैं, वो आपका पूरा काम होगा। भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, सोच विचार कर कदम बढ़ाइए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो एंजल मैसेजेस देखते हैं कि एंजल आपको क्या आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी आँखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और 3 बार अपने क्वेश्चन को अंदर ही अंदर दोहराइए। अपने पूछिए कि आपको क्या जवाब चाहिए, क्या 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 आपका क्वेश्चन है। 3 बार क्वेश्चन कीजिए, और इसके लिए मैं सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम देती हूँ।
10 सेकंड के लिए अपना क्वेश्चन सोचिए। आपका जो है 10 सेकंड अब पूरे हुए। अभी देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये एंजल जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको विश्वास नहीं करना है, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपका काम आगे नहीं बढ़ सकता। आपको बिलीव, भरोसा तो करना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करेंगे तो जो काम आपका नहीं हो रहा है, जो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो अब धीरे धीरे करके वो काम आपका शुरू होना शुरू होगा और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बिग यानी कि बहुत बड़े, हैप्पी यानी खुशहाल, चेंजेस यानी बदलाव, बहुत बड़े खुशहाल चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो भरोसा कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, लेकिन भरोसा कीजिए। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, रुक चुके हैं, थम चुके हैं, तो धीरे धीरे करके आपका विश्वास बढ़ना शुरू होगा और आपकी लाइफ में बहुत बड़े खुशहाल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।